So, dear students, we have completed sixth paragraph of this chapter, The Snake and the Mirror. Now, we are going to start number 7. A snake was there, and now what will happen with him next? Let's find out. I didn't jump, I didn't travel, I didn't cry out. There was no time to do any such things for me when I saw the snake. The snake slithered. Slithered means rengna, ludakna along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. Elbow se upar. Meri left arm ke charo taraf wo lipat gaya. The hood. Hood means saap ka muh. Was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. Uska jo fan tha mere muh se 3 ya 4 inches ki duri par tha. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. यह कहना गलत नहीं होगा कि जब ऐसा सब कुछ हुआ तो मैं अपनी सांस रोक करके बैठ गया एक पल के लिए. I was turned to stone. मैं पत्थर का बन गया. But my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. There was all around the darkness inside the room. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. Flesh में मैं बैठा रहा उस room के अंदर एक stone की तरह. I felt then the great presence of the Creator of this world and this universe. तब मुझे भगवान की याद आई. God was there. Suppose I said something and he did not like it. जैसे मैंने कुछ कहा हो और भगवान को वो पसंद नहीं आया हो. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, Oh God. There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod. ऐसा लग रहा था जैसे एक मोटी शीशे की एक छड़ी. leaden rod. No, a rod made of molten fire. मतलब बहुत ही गर्म. वो slowly put powerfully crushing my arms. The arm was beginning to be drained of all strength. अब मेरी जो बाजू थी वो धीरे धीरे अपनी ताकत खोती जा रही थी. What could I do? अब मैं क्या कर सकता था. At my slightest movement, अगर मैं हल्का भी घूमता हूँ, the snake would strike me, तो वह मुझे काट लेगा. Death lurked 4 inches away. Death मुझसे मात्र 4 इंच दूर थी. Suppose it struck. मान लो अगर ये काट लेता है. What was the medicine I had to take? कौन सी medicine मुझे लेनी थी. There were no medicines in the room. I was but a poor doctor, poor, foolish and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly, nirbalta purvak. मैं मुस्कुराया, मतलब असहाय होकर के help मैं मुस्कुराया. Feebly, exact synonym is helpless. We can say that. It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. ऐसा लगा जैसे भगवान का कोई चमत्कार हो गया हो, उसको आशीर्वाद दे दिया हो. उस सांप ने अपना मुंह घुमाया. इट लुक्ड इन टू द मिरर एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन. उसने चेहरा देखा, अपनी परछाई देखी शीशे के अंदर. आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन टू अ मिरर. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये पहला सांप था जिसने मिरर में खुद को देखा. बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर. वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी. क्या यह अपनी सुंदरता को निहार रहा था. वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग ए मोस्टेज और यूजिंग आई सेडो मस्कारा और वियरिंग ए वर्मिलन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड. क्या ये सारी बातें, ये सब विचार उसके मन में थे, जैसे कि सिंदूर लगाना, काजल यूज करना. ठीक है ना, वर्मिलन का मतलब होता है सिंदूर लगाना और मस्कारा मीन्स काजल, राइट. क्या वो भी मूछ वगैरह उगाने का कोई फैसला लेने वाला था. ऐसा मैं सोच रहा था मन ही मन में. नंबर 10. आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन. मैं किसी भी चीज़ को लेकर सर्टेन नहीं था. व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक. वाज इट मेल और फीमेल. इवन आई डोंट नो
अबाउट इट्स जेंडर वेदर दैट वॉज ही और शी स्नेक राइट. आई विल नेवर नो शायद मैं कभी जान भी ना पाऊँ. फॉर द स्नेक अनवाउंड इट्स सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इन टू माई लैप. फिर वो सांप मेरी गोद में आ गया धीरे धीरे रेंग करके. फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर. फिर वो टेबल से मिरर. परहैप्स इट वॉन्टेड टू इंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर. शायद बहुत नज़दीकी से वह अपने आप को देखना चाहता था शीशे के अंदर. आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट. आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड बट स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ. आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर एंड आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वरांडा. सांप ने जब मेरे को छोड़ दिया तो मैं चुपचाप वरांडा के अंदर गया. फ्रॉम देयर आई लैप्ड इन टू द यार्ड. वहाँ से मैं फिर आंगन में कूदा एंड रैन फॉर आई वॉज ऑल आई वॉज वर्थ. फिर जितनी ताकत मेरे अंदर बची हुई थी सारी ताकत लगा करके मैं भागा वहाँ से. फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ. ओह यहाँ डॉक्टर वो जो कहानी सुना रहा था इतना सुनाने के बाद हम सब ने राहत की सांस ली. समबडी आस्क डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट. क्या तुम्हारी वाइफ बहुत मोटी है. अगर आप भूल गए हो तो मैं बता दूँ कि यहाँ पर जब हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्ट किया गया था कि होम्योपैथिक डॉक्टर अपनी कहानी सुना रहा था बच्चों को राइट. तो वो बच्चे पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब क्या आपकी वाइफ मोटी है. नो द डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज. भगवान की कुछ और इच्छा थी. माई लाइफ कंपेनियन इज ए थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर. पतली है और बहुत तेज भागती है. स्प्रिंटर मीन्स बहुत तेज भागने वाली. एथलीट जो होता है उसको हम स्प्रिंटर कहते हैं. समवन एल्स आस्क्ड. फिर किसी और ने और पूछा मुझसे डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू. जब आप दौड़े तो क्या सांप ने आपका पीछा किया. द डॉक्टर रिप्लाइड आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड ए फ्रेंड्स हाउस. मैं भागा और जब तक मैं अपने दोस्त के घर पे नहीं पहुंच गया. इमीडिएटली आई स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ. मैंने अपनी बॉडी के चारों तरफ तेल लगाया एंड टुक अ बाथ. आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स. द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माय फ्रेंड एंड वन और टू अदर्स टू माय रूम टू मूव माय थिंग्स फ्रॉम देयर. फिर अगले दिन में अपने एक दो दोस्तों को लेकर के अपने रूम पे गया क्योंकि मुझे कमरा खाली करना था कहीं और शिफ्ट करना था. बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी. समथिंग हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स. लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि बहुत ही कम सामान था जो लेकर के आना था क्योंकि जब मैं भागा तो दरवाज़ा बंद करना भूल गया और रात को किसी चोर ने सारा सामान चोरी कर लिया. द रूम हैड बीन क्लीनड आउट बट नॉट रियली. द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट. मेरी बेइज्जती करने के लिए वो एक चीज़ छोड़ करके चला गया. What was that? I asked. मैंने पूछा वो क्या थी. डॉक्टर ने कहा माई वेस्ट मेरी बनियान. द डर्टी वन जो बहुत गंदी थी. द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस. शायद उस चोर को सफाई पसंद थी. द रास्कल कुड हैव टेकन इट. वो चोर इसको लेकर के जा सकता था एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट और धोने के बाद इसे यूज भी कर सकता था विद सोप एंड वाटर. Did you see the snake the next day, doctor? क्या आपने अगले दिन सांप को देखा. द डॉक्टर लाफ्ड. I have never seen it since. मैंने तब से इसे नहीं देखा है. It was a snake which was taken with its own beauty. ये वो स्नेक था जो अपनी सुंदरता अपने साथ लेकर के चला गया था. Thank you students. Have a good day.